क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल, देखिए देवभूमि का दंगल, 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम इस वक्त नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उनकी सुर्खियों पर। हाई कोर्ट ने दी शर्तों के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने की इजाजत, कल से शुरू होगी यात्रा, आज आ सकती है SOP। जन्मदिन पर सीएम धामी ने दिया युवाओं को बड़ा तोहफा, आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए 31 मार्च 2022 तक नहीं देनी होगी फीस। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, बोले 2022 में रिपीट करेंगे प्रदेश में सरकार। चारधाम विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल की बीजेपी में वापसी, 2017 में लड़े थे निर्दलीय चुनाव। अगले 24 घंटों में कुमाऊं सहित कई इलाकों में हो सकती है तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो चलिए उत्तराखंड के इस टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे टॉप स्टोरी की, और टॉप स्टोरी में आज की खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। दरअसल कोरोना के चलते उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ, कुछ शर्तों के साथ चारधाम यात्रा को शुरू किया जा सकता है। हाई कोर्ट के इस प्रतिबंध को हटाने के बाद अब प्रदेश सरकार भी चारधाम यात्रा को शुरू करने की फुल तैयारियों में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 18 सितंबर से, यानी कि कल से, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसमें जो हाईकोर्ट ने कहा है, जिन प्रतिबंधों को उन्होंने रखा है, जिन शर्तों को हाईकोर्ट ने रखा है, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए संभवतः आज SOP भी जारी कर दी जाएगी और उसके बाद कल से चार धाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो जाएगी। चार धाम यात्रा को शुरू करने का हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उससे उत्तराखंड के जो पर्यटन कारोबारी हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, चार धामों से जुड़े जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो लगातार एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे चार धाम यात्रा को शुरू करने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि एक लंबे समय से चारधाम यात्रा बंद थी और उसके चलते सीधा सीधा असर यहां के लोगों पर, यहां की अर्थव्यवस्था पर भी इसका साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। तो अब सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि तैयारियों को पूरा करने के संपूर्ण निर्देश दिए जा चुके हैं, कल से यात्रा को शुरू करना है, संबंध में SOP भी जारी कर दी जाएगी। हालांकि जो हाईकोर्ट ने बाध्यता रखी है, जो बात कही है, उसमें मैं आपको बता दूं क्या सख्ती इसमें देखने को मिलेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि श्रद्धालुओं को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। चारों धामों में चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, उन चेक पोस्ट पर उसको दिखाने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा चार धाम यात्रा वो नहीं कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले तो अगर आपको दो टीके कोरोना के नहीं लगे हैं तो आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अगर आपको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं तो दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेकर के आप चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि श्रद्धालुओं के लिए कुंड में स्नान करने पर प्रतिबंध रहेगा और एंटी स्पिटिंग एक्ट को चारों धामों में लागू किया जाएगा, यानी कि यहां पर थूकना भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए पुलिस फोर्स की भी अतिरिक्त तैनाती की जाएगी, तमाम तरह से निगरानियां रखी जाएंगी, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो हेल्पलाइन बनाए जाएंगे, वहां पर मेडिकल हेल्पलाइन बनाए जाएंगे और जो भी व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में होती हैं मेडिकल से जुड़ी हुई, वो तमाम व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी। ये भी कहा गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण इसकी निगरानी भी करेगा। रोजाना कहां कितने यात्री जा पाएंगे वो भी आप जान लीजिए। तो बद्रीनाथ धाम में 1000 यात्री, केदारनाथ धाम में 800 यात्री, गंगोत्री धाम में 600 यात्री और यमुनोत्री धाम में 400 यात्री जा सकेंगे। तो दो सालों से जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, जिस पर उत्तराखंड के आर्थिकी निर्भर करती है, वो बंद चल रही थी, अब हाईकोर्ट ने इस पर से रोक हटा दी है। चारधाम यात्रा कल से विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी और इसके लिए जो बाध्यताएं रखी गई हैं, जो प्रतिबंध रखे गए हैं, वो हमने आपको बताए हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के मौके पर उत्तराखंड प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा तोहफा भी दिया है। आपको हम बता दें कि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यह तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। अपने जन्मदिवस के मौके पर सीएम धामी ने यह घोषणा की है कि प्रदेश में आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, उनमें 31 मार्च 2022 तक कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो भी फॉर्म आप भरते हैं, उसमें एक फॉर्म की फीस होती है जिसको आप जमा करते हैं, वो फीस
आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी भर्ती में नहीं ली जाएगी। इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक रहेगी, यानी कि 31 मार्च 2022 तक कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। इस शुल्क को माफ कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के मौके पर यह घोषणा की। गुरुवार को उन्होंने अपने जन्मदिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों में भी शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा भी की है। काफी महत्वपूर्ण घोषणा है जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री ने केक भी बच्चों के साथ काटा। तरह तरह से उनके जन्मदिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने घोषणा है कि उत्तराखंड में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आने वाली होंगी 31 मार्च 2022 तक उनमें किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सियासत की। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके लिए पार्टियां सभी इस वक्त तैयारी में नजर आ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बने हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। वो बीजेपी के चुनाव प्रभारी का दायित्व मिलने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड आने के बाद पार्टी के पदाधिकारियों ने, तमाम नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। एक रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो में कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिशन 2022 में पूरी तरह से अब जुट जाएं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा इस बार उस मिथक को भी तोड़ेगी जिसमें ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में किसी भी दल की सरकार रिपीट नहीं करती है। इस मिथक को हम तोड़ेंगे, ये प्रह्लाद जोशी ने कहा है, जो कि बीजेपी के प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस मिथक को तोड़ते हुए 2022 में बीजेपी की सरकार हम उत्तराखंड में बनाएंगे और पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उससे ज़्यादा सीटें ही जीतेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और बूथ लेवल पर हमें जुटना होगा। उनका जो स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, मानव श्रृंखला बनाई गई, रोड शो का आयोजन किया गया, पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। उनके साथ सह प्रभारी आरपी सिंह भी थे और उन्होंने भी यही बात कही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा, संगठन के रूप में मजबूत होकर के बीजेपी काम करेगी। ये बीजेपी के प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं उनका कहना था। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी उत्तराखंड पहुंचे थे, उनका स्वागत हुआ और शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। वहीं उत्तरकाशी से बीजेपी के नेता सूरतराम नौटियाल, जो कि इससे पहले जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बागी चुनाव लड़े थे, उन्होंने एक बार फिर से अब बीजेपी में अपनी वापसी कर ली है। दरअसल हम आपको बता दें कि उत्तरकाशी के पूर्व बीजेपी के नेता थे और उत्तराखंड चारधाम विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। सूरतराम नौटियाल, जिन्होंने कि गुरुवार को बीजेपी की सदस्यता एक बार फिर से ले ली, उन्होंने पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में, क्योंकि प्रदेश के प्रभारी का कार्यक्रम भी था और इस मौके पर उन्होंने अपने करीब 15 समर्थकों के साथ बीजेपी में अपनी घर वापसी कर ली। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी मेरी माँ है और पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन मां मां होती है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि गंगोत्री विधानसभा सीट से क्या वो फिर इस बार दावेदारी करेंगे, उस पर भी उन्होंने घुमा फिरा करके जवाब यही दिया कि वो गंगोत्री विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी एक बार फिर से करेंगे। आपको हम बता दें कि प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनको पार्टी ज्वाइन करवाई, उनका स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के कई नेता थे। 2017 में सूरतराम नौटियाल का टिकट कट गया था, उस वक्त वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, गंगोत्री विधानसभा सीट से टिकट उन्हें नहीं मिला था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अब एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि बीजेपी से उम्मीदवारों की लिस्ट काफी लंबी वहां पर नजर आती है, आने वाला वक्त बताएगा कि किसको टिकट मिलता है और किसको नहीं मिलता। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। उत्तराखंड में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर लगातार पिछले दिन बारिश जारी रही तो कहीं पर चटक धूप खिली रही। इसी बीच अब मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि आने वाले 24 घंटों में कुमाऊं समेत उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। ये अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। पर्वतीय इलाकों में कहीं पर बारिश रही, कहीं पर धूप रही। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर भूस्खलन की स्थितियां भी देखने को मिली और आने वाले 24 घंटों में कुमाऊं समेत कई इलाकों में तेज बौछार पड़ सकती है, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। देहरादून, नैनीताल समेत कुमाऊं मंडल के कुछ इलाकों में तेज बारिश पिछले दिन भी जारी रही। गढ़वाल के ज्यादातर हिस्सों में धूप भी खिली रही, लेकिन कुछ जगहों पर भूस्खलन और बारिश कल देखने को मिली। बागेश्वर में भी भारी बारिश लगातार देखने को मिली, यहां पर दो मकान क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। तो ये उत्तराखंड का मौसम अपडेट था, ये उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें थी। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद365 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारी इलेक्शन से जुड़ी हुई कवरेज है देवभूमि का दंगल, वो भी लगातार अब आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए संवाद365, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह?
किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल, देखिए देवभूमि का दंगल, 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।